herself. Oh, she really hurt herself there. Oh, she. ACL का कुछ problem हुआ. I bad. मेरा नाम परमिशा बशीर है एंड आई एम द फॉर्मर वुमेन सिंगल 7 टाइम्स नेशनल चैंपियन एंड 10 टाइम्स वुमेन्स डबल्स नेशनल चैंपियन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो द साउथ एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. 26th अक्टूबर को वाइल प्लेइंग मतलब मैं चैम्पियनशिप ही खेल रही थी अपना और 26th अक्टूबर को मेरा जो टेंडन है वो ब्रेक हो गया था, उसमें रप्चर आ गया था बेसिकली. एंड वो डेफिनेटली फॉर अ प्लेयर इट्स वेरी एगनाइजिंग. तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे लिए, मेरे कोचेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एग्नाइजिंग था. बिकॉज जब मुझे ये इंजरी हुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस थी कि मुझे किधर जाना है. क्योंकि हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं या स्पोर्ट्स की जो इंजरीज़ को डील करते हैं, केटर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी कमी है, स्पेशली डॉक्टर्स और रिहैब. तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी. तो मुझे हाफिज़ इरफान ने बेसिकली रेकमेंड किया था डॉक्टर शहजाद. जब मैंने उनको दिखाया तो ही वाज़ वेरी अकोमोडेटिंग एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा एंड समझा एज अ प्लेयर बेसिकली जो एक डॉक्टर का काम होता है. बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा साथ दिया और मेरी जो सर्जरी है वो घुरकी हॉस्पिटल में उन्होंने की थी. तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आई वॉज़ इन द राइट हैंड्स आई बिलीव. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रोग्रेस है और रिहैब है वो काफ़ी अच्छी जा रही है एंड आई वुड लाइक टू थैंक घुरकी हॉस्पिटल एंड ऑल्सो डॉक्टर शहजाद कि उन्होंने इतना साथ दिया. और उसके बाद जो है मेरी जो उन्होंने जो रेकमेंड किया था वो डॉक्टर मीर शकील को रेकमेंड किया था फॉर माई फिजियोथेरेपी. सो आई वुड लाइक टू से कि आई एम ब्लेस्ड विद गुड डॉक्टर्स. एक कोच, एक डॉक्टर, एक फिजियो, इन ये एक पूरी टीम होती है जो कि एक प्लेयर को बिल्ड करता है, वापस से खड़ा करता है. तो इन लोगों ने मुझे वापस से खड़ा करने की पूरी कोशिश की एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मच बेटर नाउ. आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक घुरकी हॉस्पिटल कि उन्होंने जो उनका जो एडमिन था स्पेशली उन्होंने काफ़ी अकोमोडेट किया. मेरी जो रिहैब है, थेरेपी चल रही है, वो घुरकी हॉस्पिटल से ही चल रही है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू घुरकी हॉस्पिटल एज वेल एंड आई रियली होप कि आगे भी जाके मैं अपने आप को 100% फिट करके वापस से मैदान में आ सकूँ.